अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना है और श्रीलंका की होम ग्राउंड भी है बड़ी खतरनाक श्रीलंका। जिस तरह का उन्होंने ट्रैक अगेंस्ट इंडिया बनाया है, अगर सेम ट्रैक अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर बना लेता है श्रीलंका, तो पाकिस्तान अगेंस्ट स्पिनर मुश्किल सूरत हाल में गुजर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल। इंडिया और श्रीलंका का मैच बड़ा ही पाकिस्तान के लिए तो बड़ा इम्पोर्टेंट मैच था, बिकॉज अगर श्रीलंका मैच आज जीत जाता तो पाकिस्तान का रहना बहुत मुश्किल था, उनको अगला मैच हराना, एवरेज इफ एंड बट्स बहुत ज़्यादा आ जाते थे। बट इंडिया ने ये मैच जीत लिया, लो स्कोरिंग गेम था। सबसे पहले अगर पिच की बात करूँ तो इस तरह की पिच अभी तक एशिया कप में मैंने नहीं देखी जिसमें 10 के 10 इंडिया के स्पिनर ने आउट किए हों। श्रीलंकन स्पिनर ने तबाहकुन बॉलिंग का मजारा किया, बहुत ज़बरदस्त पिच थी, स्पिन बहुत ज़्यादा हो रहा था और क्या ही बात है। बट इंडिया ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया, उसके बाद उनकी लाइन लग गई और उनके 10 आउट हुए 213 रन बनाकर। 213 का टारगेट था, बस इस टारगेट तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। श्रीलंका जो 13 मैच लगातार जीते हुए था उसके बाद इनके लिए ये जीतना कोई मुश्किल नहीं था, बट स्पिन ट्रैक के आगे इंडिया की फास्ट बॉलिंग भी छाई रही। बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, उसके बाद कुलदीप यादव ने वंस अगेन 4 विकेट लिए, उमदा बॉलिंग की। एक टाइम ऐसा था कि मैच श्रीलंका के हाथ में चला गया था, बट फिर वही बात, क्रिकेट क्रिकेट होती है, एक विकेट गलत शॉट मारने से डिसिल्वा के मैच वापस इंडिया के हाथ में आया और इंडिया ने ये मैच बआसानी 41 रन से जीत लिया। सूरत हाल बड़ी सनसनीखेज थी, अगर श्रीलंका जीता तो 2-2 पॉइंट पर बराबर होते, एवरेज पे मैच निकलता। बट क्योंकि अब मैच आ गया है पाकिस्तान और श्रीलंका का जो जुमेरात को है, अब पाकिस्तान को मैच ही सिर्फ जीतना है। हाँ, अगर बारिश नहीं होती तो पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतना है और श्रीलंका की होम ग्राउंड भी है बड़ी खतरनाक श्रीलंका। जिस तरह का उन्होंने ट्रैक अगेंस्ट इंडिया बनाया है, अगर सेम ट्रैक अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर बना लेता है श्रीलंका, तो पाकिस्तान अगेंस्ट स्पिनर मुश्किल सूरत हाल में गुजर रहा है। इंडिया ने भी आज 10 विकेट के 10 स्पिनर के खिलाफ दिए हैं और ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में हुआ कि इंडिया के 10 के 10 स्पिनर से आउट हुए हैं। तो ये थी, अब पाकिस्तान को ये है कि मैच जीतना है, अच्छे तरीके से जीतना है। ये अगर स्पिन ट्रैक बनाता है तो 3 स्पिनर डालने पड़ेंगे पाकिस्तान को। हाँ, श्रीलंका मुझे लग रहा है कि स्पिन ट्रैक ही बनाएगा अगेंस्ट पाकिस्तान, बट ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। बट मुबारक हो इंडियन टीम को, रोहित शर्मा उमदा खेल पेश किए, कुलदीप यादव टॉप विकेट टेकर हो गए हैं एशिया कप के, उमदा उन्होंने बॉलिंग की है। रोहित शर्मा 11 को मुबारक हो कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। लेट्स सी, पाकिस्तान जीत के इंडिया से फाइनल खेलता है कि श्रीलंका, ये तो जुमेरात को मैच के बाद ही बताऊँगा। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।